अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू इंफॉर्मेशन नदीम एंड सन्स। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद अश्याम खान। पेश खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जी आपको दिखाएंगे कि जैकोबिन पिजन्स को ट्रिम कैसे किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। मेल का ट्रिमिंग का तरीका डिफरेंट होता है, फीमेल का ट्रिमिंग का तरीका डिफरेंट होता है। आपको दोनों की ही जो है ट्रिमिंग सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ये मेरे पास जैकोबिन का मेल है जो कि काफ़ी हद तक ट्रिम्ड है, क्योंकि ये मेरे पास ब्रीडिंग में डला हुआ है। तो लेकिन इसकी ट्रिमिंग की कुछ ज़रूरत थी तो मैं ट्रिम करने लगा था। मैंने कहा क्यों ना भाइयों के साथ वीडियो बना के शेयर कर दिया जाए कि इनको किस तरह ट्रिम किया जाता है। ये एक साइड मैंने सुबह ट्रिम कर रहा था, आधी ट्रिम की थी तो मुझे याद आ गया, मैं कहा वीडियो बना देता हूँ भाइयों के लिए, आसानी हो जाएगी। तो ये आपने जो है ना इसका हुड सामने से इतना, इसकी आई लाइन जो है ना, जो आँखों का पीछे, आँखों से पीछे पीछे तक काट दीजिएगा ताकि जो है इनको ईजीली नज़र आए। ये इसका हुड ट्रिमिंग का तरीका है। ऊपर से आपने नहीं काटना, सिर्फ हुड ट्रिमिंग जो है वो ज़रूरत भी सिर्फ मेल्स को पड़ती है, फीमेल्स की हुड के ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हमें आँख कैंची अगर आपको छोटी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, ये आपने जो है बड़ा ध्यान रख के, और कच्चे परों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि जैकोबिन अक्सर मोल्ट में रहते हैं तो इनके अक्सर जो है ना वो यंग फीडर्स, ब्लडी फीडर्स आ जाते हैं तो वो ब्लीड कर जाते हैं, तो वो मसला होता है। बर्ड को तकलीफ़ भी होती है और खून भी उसका ज़्यादा ज़ाया होता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये इसका हुड आपके पास ट्रिम हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये इसके अब चेहरा जो है इसका नज़र आना शुरू हो गया, तो इसको देखने में आसानी हो जाएगी। ये मेल के साथ करना, फीमेल के साथ इस तरह की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी आपने ट्रिमिंग जो करनी है मेल की, मेल को आपने इस तरह पकड़ना है, इसकी जो है टोटल आपके जो विंग्स और टेल आएगी वो इसकी यहाँ तक होगी। ठीक है, आपने इतनी काट देनी है कि ये जब फीमेल के नीचे से अपनी टेल गुजारे क्रॉसिंग के लिए तो ये इसका हिस्सा उसे तंग ना करे। तो आपने ये रख के उतने ही विंग्स, उतनी ही टेल बराबर रख के, तकरीबन चार उंगलियों का बराबर यूँ रखेंगे ना, तो बाकी जो है आपने काट देना। इसका ऑलरेडी ट्रिम्ड है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेल की ट्रिमिंग हो जाएगी आपकी। फ़ीमेल की भी मैं आपको ट्रिमिंग करके दिखाता हूँ, फ़ीमेल की ट्रिमिंग का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, ये मेल की ट्रिमिंग होगी। इसका हुड आपको नज़र आ रहा है, अब ये कट चुका हुआ। ये जी हमारे पास फीमेल आ गई हुई है, फीमेल का आपने हुड देख लेंगे ट्रिम्ड नहीं है। बाकी इसको पकड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ट्रिमिंग के वक्त आपने ये बाजू जो है इसके ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखने, यूं करके क्रॉस करना है। ठीक है, और इसके बाद जो है आपने इसको नीचे से यूं पकड़ लेना। यूं पकड़ेंगे तो आपकी जो है ये फीमेल आपके सामने आ जाएगी, और इसके जितने ये हुक्स हैं, जो हुक्स वाले फीडर्स हैं, ये आपके खुद ही बाहर आ जाएंगे कटने के लिए। आपने पकड़ना है इसे वेंट एरिया जो है, यानी बिठ का जो जगह है उसे साफ़ कर देना कि उधर जितने भी फीडर्स हैं ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उससे ये होगा कि क्रॉसिंग में जब मेल इसको मेट करेगा ना तो इसकी ये सारी जो जगह वो क्लियर होगी, बीच में कहीं रुकावट नहीं आएगी और मेटिंग में आसानी होगी। तो ये आपने क्लियर कर देनी है इसकी, इसमें क्योंकि इनके फीडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनको मेटिंग में अक्सर मसला आ जाता है। तो बेहतर यही होता है कि काट दिए जाएँ, ज़्यादा बेहतर रहते हैं ताकि एग्स जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये जी आपकी ट्रिमिंग हो जाती है। ये यहाँ से हुक्स आपने इस तरह ले लेने, और ध्यान रखना कि आपका जोड़ ना, यहाँ पे ना बर्ड के जोड़ हैं, वो जोड़ आपने नहीं काटने। अब जोड़ों से बचने का तरीका क्या है, आपने जो है ना परों को जहाँ काटने हैं वहाँ से कैंची को डाल के थोड़ा सा उसे हल्का सा आगे को धक्का देंगे ना तो आपको फीडर्स आपके आगे आ जाएंगे और जोड़ वगैरह कोई चीज़ भी आपको नहीं आएगी। अगर आ रही होगी तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो जोर लगेगा आपका। ठीक है जी, तो ये आपकी जो है फीमेल के हुक्स वगैरह कट देंगे, तो इस तरह आपकी फ़ीमेल के हुक्स कट देंगे, और आपकी जो है इसमें टेल और विंग्स इसके भी कटते हैं। ठीक है, ये टेल आप देखने होंगे कि इसकी कटी हुई है, विंग्स इसके थोड़े से नए आ रहे हैं, उनको अभी काटता हूँ मैं। उनको भी काटने का तरीका यही है जैसे आपको मेल का बताया, कि आपने जो है इसको इस तरह पकड़ना है। और ये इकट्ठे रख के जितने आपके टेल और विंग्स के पर आ रहे हैं आपने इकट्ठे रख के जो है ना इन्हें ट्रिम कर देना। तो ये जी आपकी ट्रिमिंग हो जाएगी, और ये आपके बर्ड्स की मेटिंग में हेल्प करेगा इंशाल्लाह।
तो फर्टिलिटी में चांसेस डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये वीडियो यहाँ तक थी, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।